दोस्तों अभी हम लोग जाके ले आए और जो मिला है वो बहुत अच्छा मटन मिल गया हमें, और ये 2 किलो आया और ये 2 किलो आया है दोस्तों। मतलब जितना अपना संडे मतलब 2 महीना में बीत गया नहीं खा पाए उसका आज पूरा करेगा रोहित। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए व्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग अभी खाली उली करके रात में देखे थे पिछला व्लॉग में, आप लोग खाली उली करके पंप में आ गए थे हम लोग, तो सुबह उठ करके वही नहाए धोए पूरा फ्रेश हो ले। आज संडे है, आज तो कहीं लोडिंग का कोई प्रोग्राम है नहीं, तो वहाँ पर क्या था कि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा था, तो ऐसे भी हम लोग को आज संडे था कुछ लेने के लिए बाजार आना था, तो वहाँ से हम लोग 5 किलोमीटर आगे बाजार है, बहुत अच्छा बाजार है, तो यहीं पर गाड़ी लगाया है, तो यहीं पे भी ना वहाँ से ना दो आ गए थे, अब यहीं पे जा रहे मार्केट में जाकर लेते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। पूछे तो वहाँ पर लोगों से तो बताया थे कि आगे मार्केट है 5 किलोमीटर आ गए, तो यहीं पे गाड़ी लेके आ गए, और देख सकते कितना था शानदार जगह है, पूरा पहाड़ पर्वत सब तरफ दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और पार्किंग में गाड़ी साइड लगा हुआ है मेरा, यहीं पर रोड साइड में जो हाईवे लगा पार्किंग होता है, यहीं पर खाना बनेगा मेरा। तो ठीक है दोस्तों, जा रहे हैं लाने के लिए सब्जी, देखते हैं क्या मिलता है, लेके आते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जाके ले आए और जो मिला है वो बहुत अच्छा मटन मिल गया हमें, और ये 2 किलो आया और ये 2 किलो आया है दोस्तों। मतलब जितना अपना संडे मतलब 2 महीना में बीत गया नहीं खा पाए उसका आज पूरा करेगा रोहित ना, आज पूरा करेगा रोहित और पापा भी। नेक्स्ट टाइम आज मटन बन रहा है, नेक्स्ट टाइम की अभी बन रहा है, अभी बन रहा है मटन। अब मतलब संडे बहुत अच्छा कटेगा आप, मतलब अभी जो चल रहा है आप अभी 4 महीना रेगुलर चलेगा, 4 महीना चलने के बाद साग वाला खाया जाएगा, जहाँ मिलेगा वही, जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ खाने के लिए फिर गाड़ी लेके आएंगे। अरे इतना तो पहले खाना यार, तू पहले इतना तो आज 1 किलो खाएंगे लगभग 800, एक का बाकी आधा कल, आधा का रात भर में खत्म, देखिए खत्म कर देगा, बाकी प्याज वाज सब कुछ इधर काट के रख लिए है, और चावल भी रोहित बना लिया है, और हाथ में जूठा लगा हुआ लग रहा है, कलेजी पहले ही उठा के डाल लिया मुंह में है, कलेजी में नमक लगा खा जाता है, कलेजी में नमक लगा के पार कर जाता है। खाया कि नहीं रे बता, हाथ धोने जा रहा है वो, पकड़ा गया तो हाथ धोने जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों अब जा रहे बनाने की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा समस्या ये है कि बड़ा जगह नहीं है मेरे पास में, और कुकर एक लेना पड़ेगा क्योंकि सावन खत्म हो गया तब कुकर का जरूरत पड़ेगा, तब तक मेंटेनेंस करके बनाते हैं, इसी में हेरा फेरी करके थाली में डाल के इस तरह बनाते हैं। दोस्तों अब चले हम मटन बनाने के लिए, देख सकते हो उधर वो भी हम भूंज के निकाल दिए हैं, बहुत ही ज्यादा था और जगह का दिक्कत है, तो रोहित देखिए चुन चुन के अभी खा रहा है इसको, कलेजी जो है कलेजी हम लिए थे अलग से, क्लस आधा किलो कलेजी लिए थे, पोट लिए थे वो हम डाल दिए उसमें, और उसको भूंज के निकाल दिए सिर्फ मसाला दे करके। अब चले ये सब बनेगा तरी में, ये पहले ही चेक किए जा रहे हैं, और भी आदमी है भाई, ये 2 महीने का एक ही बार मतलब अभी क्लियर कर लेना चाह रहा है एकदम। ठीक है दोस्तों अभी हम जा रहे बनाने के लिए, अब ये बनेगा तरी में, उधर तो सूखा हुआ निकाल दिए भुंजा हुआ। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा लहसुन अभी डाले हैं, अभी भूंज के निकाले कढ़ाई में ही, इसलिए कढ़ाई का कलर ऐसा दिख रहा है, पूरा अच्छी तरह से एकदम भूंज दिए थे एकदम। अब जा रहे हैं इसको बनाते हैं तरी में। दोस्तों प्याज तो डाल दिए हैं, अब प्याज को मतलब पूरा तो नहीं भूंजना है क्योंकि मटन है ना, चिकन रहता तो जल्दी हो जाता, मटन टाइम लेता है, अब एक साथ दोनों होगा इसमें, थोड़ा सा भून के उसके बाद डाल देंगे, अब देखते हैं जगह क्या होता है, जगह का ट्रेबल हो सकता है। दोस्तों लोडिंग का भी बात कर रहे हैं, अब बहुत से ट्रांसपोर्टर की आज संडे लेके फोन नहीं उठा रहा है, अब बहुत सा उठा भी रहा है तो यही बात कर रहा है कि आज तो भैया संडे है, जो होगा कल होगा या रात में बताएंगे, इस टाइप की बात बता रहा है। और यहाँ से चेन्नई हमको 400 किलोमीटर पड़ रहा है, चेन्नई से लोडिंग दिखा रहा है लेकिन 400 किलोमीटर जाना और फिर वहाँ से भरना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि टोल टैक्स भी लग जाएगा और डीजल भी डलेगा, वो तो चेन्नई से भाड़ा लगाएगा ना, अब यहाँ से हम जाएंगे उसका भाड़ा तो लगाएगा नहीं, तो इसके लेके थोड़ा नुकसान होगा। तो सेठ जी भी बात कर रहे हैं पूरा, बोल रहे हैं कि हो सकता है यहीं से माल हो जाएगा, यहीं 50 किलोमीटर आगे पीछे 100 किलोमीटर आगे पीछे से हो जाएगा। तो ये अभी हम लोग सेलम में ही खड़े हैं, हम लोग सेलम में ही खड़े हैं, अब यहाँ से भी लोडिंग होता है, वो ट्रांसपोर्टर बोल रहा है कि वहीं पर रुक जाओ भैया, उधर ही कहीं आस पास, या फिर पीछे बेंगलोर छोड़ कर आया है, बेंगलोर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर है, हो सकता है बेंगलोर से भी हो जाए। अब जहाँ का माल मिले, लोकल तो मिल रहा तो लोकल तो भरेंगे नहीं, अब यहाँ से चाहे गुवाहाटी का मिल जाए, चाहे इधर का मिल जाए, पटना उटना का मिल जाए, कलकत्ता का मिल जाए, या अपना उत्तराखंड साइड का मिल जाए, जहाँ का मिलेगा अपना भर लेंगे, बस हमें ट्राई में है। चलो कोई बात नहीं, आज तो संडे, आज तो कुछ बोलेगा भी नहीं कोई कुछ, और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अभी खाना वाना बनाते हैं, रुकते हैं, अब रात में बात होगा लोडिंग का। दोस्तों प्याज मेरा करीब आधा लाल हो चुका है, मतलब आधा हुआ है, पूरा तो नहीं हुआ है, अब इसमें हम डाल देते हैं, दोनों एक साथ में होगा, दोनों साथ में गलेगा भी, भुंजाएगा भी, सब होगा। ये देखिए
बहुत अच्छा मिला यहाँ पे, छोटा छोटा पीस काट के देता। अब दाम यहाँ का जो रेट है 750 रुपये केजी यहाँ पड़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मिला देखे हम कि रोड साइड में मैंने बहुत सा दुकान है, चिकन ले लीजिए, मटन ले लीजिए, मच्छी ले लीजिए, हर चीज़ का दुकान हम देखे। अब संडे लेके ज़्यादा खुला हुआ है कि क्या ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रोड साइड में सब एकदम। गाड़ी खड़ा कीजिए, लीजिए आराम से, यहाँ लोकल पब्लिक भी ले रहा है, हम लोग भी ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कितना बढ़िया पार्किंग बना हुआ, ये गाड़ी वाला लोग भी रुका हुआ है, ये लोग भी ले लेके बना रहा है, सब संडे मना रहा है आज। जानता सब संडे को कुछ होता नहीं है, तो संडे का एक बहाना मिल जाता है कि चलो भाई कुछ बनाया खाया जाए, तो वही सब होता है। थोड़ा सा जगह का दिक्कत पड़ रहा है यहाँ अभी हमको। दोस्तों कुकर लेने के लिए पहले से सोचे थे हम, लेकिन सावन आ गया तो हम कहे कि छोड़ो अब सावन में क्या लेना है, कुछ बनाना तो है नहीं, तो लिए नहीं हम लोग। लेकिन अभी ऐसा जगह है तो हम कहे चलो अब लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा कुकर लेंगे। पिछला गाड़ी में देखे थे आप लोग, छोटा वाला कुकर था मेरा, तो हम लोग दाल दूर बनाते थे उसमें दाल से जाने के लिए। लेकिन अब ये सब बनेगा तो इस सब के लिए कुकर ही चाहिए। अभी जो नया मॉडल निकला है जो पूरा ढक्कन वाला, वो लेने की प्लानिंग में हम है। एक जगह पता भी करने गए थे वो नहीं मिला था, और जो वो रबड़ वाला रहता है उसमें फेंकता उगता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। अब वो भी दुकानदार समझाया पूरा पैक वाला रहेगा तो वो अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, वो जहाँ मिलेगा वो लेंगे, उसको हम लेके गाड़ी में रखेंगे। दोस्तों मेरा प्याज पूरा गल गया, और ये देखिए मटन जो है ये भी मेरा भुजा गया, पूरा लाल करके भून चुके हैं इसको हम। अभी इसमें मसाला नहीं डाला है, मसाला डालना भी बाकी है, मसाला कलर कुछ और ही आएगा अभी। तो देखिए प्याज पूरा गायब हो गया मेरा दोनों एक साथ, इससे क्या होगा कि गैस का ही बचत और अपना टाइम का टाइम भी बचत हो जाता है, दोनों एक साथ हो गया। अब देखिए अब हम इसमें मसाला डालने जाएंगे, मसाला डाल के फिर भूजेंगे इसको हम। दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम जा रहे हैं डालने के लिए मसाला, थोड़ा सा ये सट रहा था भूनते तो हल्का सा पानी डाल दिए हैं। तरी तो ऐसे ही बन गया मेरा, तरी तो मेरा ऐसे ही बन गया पूरा बिना मसाले का। अब जा रहे इसमें मसाला डालते हैं। ये देखिए मसाला का डब्बा आ गया, ये जीरा गोलकी एक घर में पिसवाए थे, ये जीरा गोलकी हो गया, और ये तो कलर से ही मालूम चल जाता है। हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा गरम मसाला भी है बस, और ज़्यादा मसाला कुछ नहीं डालते हैं, यही अपना नॉर्मल मसाला। ये देखिए मसाला डाल दिए, अब इसका कलर कुछ और बताएगा, उस समय सिर्फ भूंजा हुआ कलर बता रहा था, अब देखिए अब कुछ और ही बताएगा। ये थोड़ा सा पानी डाल दिए थे हम क्योंकि नीचे सट रहा था इसके लेकर के। ये देखिए इतना गाढ़ा तरी बनेगा, थोड़ा पानी तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि चावल साथ खाना है ना, तो थोड़ा पानी डालना ही पड़ेगा इसमें। थोड़ा देर मसाला को पकाते हैं अभी, उसके बाद फिर पानी डालेंगे इसमें। दोस्तों अभी दोपहर का 2 बज गया है और अपना खाना सब बन गया है। अब देख सकते हैं अपना पूरा मटन भी है और इधर चावल भी है, ये चावल को अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत दिन से रखा हुआ था और मतलब रखे हुए थे। लंबा लंबा चावल है, कुछ दूसरा ही चावल है, कौन चावल है? कश्मीर राइस। तो यही चावल को बनाया गया है, और लेट खाना इसलिए हो रहा है कि हम जो भूंज के रखे थे ना वही हम लोग इतना खा लिए ना कि भूख मतलब ख़त्म हो गया था, इस चलते फिर से चलो थोड़ा सा चलो चलो। देखिए ये देखिए इसका निकालने काम इसी का है, इसी के लिए छोटा छोटा पीस करवाया है बस। देखिए दोस्तों अब इसका हम लोग का निकाल दिया, हाथ पर मोड़ा, जरा लड़ाई करने वाला है ये, एकदम हाथ पर मोड़ करके रेडी किया है। देखिए घबराओ मत, दोबारा ले लेना, खाओ खाओ इसको खाओ। और देखिए दोस्तों ये हम लोग का निकल गया खाना, अब चले हम लोग खाने के लिए। आज 2 महीना के बाद हम लोग मटन मिला है। अब बना भी बहुत शानदार, तरी भी देखो कितना तगड़ा बना है, खा के टेस्ट करो बताओ। देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, 2 महीना बाद मिला है। कल से मन मेरा छटपटा रहा था, कल तो शनिवार था, आज मिल गया तो खा दें, बहुत अच्छा भी लग रहा है, बना भी बहुत शानदार है, मतलब 2 महीना बाद बना है, बनाने के लिए भूले नहीं है, तगड़ा ही बना है। देख सकते हैं थरिया मेरा पूरा तरी, मेन इसका तरी होता है, और सीज भी गया है पूरा अच्छी तरह, सीज गल गया कोई दिक्कत नहीं, और
ठीक है, जब इतना दिन बाद खा रहे हैं तो इसका इच्छा पूरा कर देते हैं पूरे ही। ये बोला था पहले ही कि आधा किलो एक किलो मत लाइएगा, इतना दिन बाद खा रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लाइएगा। तो ले आए हम, अभी खाओ, रात में खाओ, बचे तो फिर सुबह खाओ। देखिए दोस्तों, अभी तो खाना होना तो खा के यहीं पे लेट किए थे, जहाँ खाना बनाए थे यहीं पे लेट किए थे। अब यहाँ से निकल रहे हैं, जाके पेट्रोल पंप में पानी उनी भरेंगे, पानी उनी भर के और जहाँ खड़ा थे वहीं पे खड़ा होंगे। आज तो माल उल तो मिला नहीं है, देख कल मिलेगा, कल तो देखिए चांस है मिलने का। दोस्तों माल तो दो तीन मिला, लेकिन वो जैसा नहीं माल, असल में वो ज़्यादातर लोकल में था। यहाँ से चेन्नई जाओ तो यहाँ से बेंगलोर जाओ तो ऐसे में मज़ा नहीं आता, समय ज़्यादा टूट जाता है और भाड़ा लोकल वाला भाड़ा लगता है। इसीलिए करके सेठ जी मना कर दिए कि आज संडे, आज आराम करो ना, कल देखते हैं ना, कल मिलेगा माल पूरा डायरेक्ट वाला। हम लोग भी डायरेक्ट वाला माल ढूंढते हैं, जैसे उधर से डायरेक्ट माल भर का है तो अपना चलते रहे, सफ़र में रहे हमेशा। और उसी टाइप का हम लोग भी सोचते हैं कि ऐसा माल डाले गाड़ी में, तीन तीन चार दिन का सफ़र जो है अपना गाड़ी में ही चलता रहे। अब ये आज लोड करो फिर एक दिन बाद खाली करो तो उससे मज़ा नहीं आता, समय ज़्यादा टूटता है और भाड़ा भी नहीं बनता है। इसलिए सेठ जी बोले कि रुक जाओ आज। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग खाना ना खा के तो वहीं रुक गए थे, अब शाम हो गया, अभी पंप में जा रहे हैं, ये अपना पानी भी डाल लेते हैं और उसी जाकर होटल पे रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पे भले पैसा लग जाता है लेकिन दरवानी वगैरह सब है तो निश्चित से सोते हैं वहाँ पर। दोस्तों पंप आ गया, अब यहीं पर लेते हैं तेल, पानी भरते हैं और चाय का दुकान भी है, थोड़ा चाय भी पी लेंगे यहाँ, शाम में थोड़ा चाय पीते हैं, चाय पी के फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ चाय पिए थे तो बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जो तेल लेकर गए थे खाली करने ना, तो चाय यहाँ पिए थे। देखिए दोस्तों अभी पानी भरने जा रहे हैं, देख रहे हैं पीने का पानी कहाँ मिल रहा है, एक थोड़ा इधर पानी उनी का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये जल्दी देख रहे हैं पानी अभी। दोस्तों अभी पेट्रोल पंप में तो पानी नहीं मिला, तो ये वहाँ पानी नहीं था और यहाँ पे भी अभी होटल में आए थे पूछने के लिए कि शायद पानी हो, पर यहाँ भी नहीं है, तो आगे चल के फिर कहीं पानी भरेंगे। तो पापा यहाँ पे चाय पी रहे थे, पापा तो पी लिया, अब हम दोनों भी चाय पी लेते हैं। अभी आ चुका है दोस्तों हम दोनों का भी चाय, तो अभी चाय पी रहे हैं, चाय पी के फिर आगे जाके भर लेंगे पानी कहीं पे। दोस्तों जहाँ पंप हम लोग रुकते हैं वहाँ तो पानी है, लेकिन पीने में हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है और हम लोग ठंडा पानी रखना चाहते हैं, फिल्टर वाला पानी, तो वही थोड़ा ढूंढ रहे अभी हम, तो इसको पता करते हैं कि कहाँ मिलेगा तब भर के फिर जाएंगे, नहीं मिलेगा फिर लास्ट उसी पंप में जाएंगे। दोस्तों अभी यहाँ दुकान में तो पानी मिल गया, लेकिन नॉर्मल मिला है, ठंडा वाला नहीं है, तो अभी यही भर ले रहे हैं पीने के लिए, तो अपना हो जाएगा। देखिए दोस्तों अभी तो पानी ले लिए पीने के लिए और अभी चल जाएगा, एक दिन एक दो दिन चलेगा, टेंशन क्लियर है, अब कल के लिए सोचना पड़ेगा। दोस्तों अभी शाम का 7 बज चुका है और हम लोग पार्किंग में आ गए हैं, और यही पार्किंग है जहाँ सुबह भी रुके हुए थे, यहाँ इसी पार्किंग में। तो यहाँ पर क्या सुरक्षित है, कैमरा उमरा गार्ड वगैरह सब है यहाँ पे, तो उसके लेके यहीं पर आ गए हैं। और हमारा सेठ से बातचीत हुआ है तो वो बोला कि आज संडे लेके कुछ मतलब एक आध घंटा बोला बता रहे हैं, तो उसके लेकर के हम भी निश्चित हो गए। अभी तक कोई फोन नहीं आया मेरे पास, तो हो सकता है कि अब जो बात होगा सुबह ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी पार्किंग में रुकेंगे, यहाँ से सुबह ही हम लोग निकलेंगे, जहाँ का प्लानिंग होगा वो निकलेंगे सुबह यहाँ से। दोस्तों रात का 10 बज चुका है और हम लोग का दिन का ही सब्जी बचा हुआ था और रोटी बना लिए, सिर्फ रोटी बनाना था, रोटी बना लिए, थोड़ा सा चावल भी है, यही अपना रात का आज खाना हो रहा है। तो ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं अभी, और बातचीत हो गया है ट्रांसपोर्ट वाले से, तो फ़ोन किया था सब शाम में, बोला कि भैया कल आपका हो जाएगा लोडिंग, तो अब 2-3 ट्रांसपोर्ट से बात हुआ, अब देखते हैं कल कहाँ का होता है, क्लियर नहीं है लेकिन कल हो जाएगा, ये पक्का हुआ है बात। ठीक है दोस्तों अभी खाना खाते हैं। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज चुका है और हम लोग यहाँ पर इसी पार्किंग पर हैं और सब फ्रेश वूस हो गए हम लोग, सब ब्रश वगैरह करके पानी वगैरह सब ले लिए यहाँ पर। अब क्या ना, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो हम लोग को जाना पड़ता है यहाँ से थोड़ा दूसरे जगह। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं हम आज 3 दिन से कि सुबह सुबह धूप होता है और शाम में जहाँ 7-8 बजा कि बहुत ही बढ़िया हवा चलने लगता है और बारिश होने लगता है, रात में बारिश होता है और सुबह सुबह यहाँ पर
धूप हो जाता कड़ा। ये चीज हम 3 दिन से यहाँ नोटिस कर रहे हैं। दोस्तों साउथ का तो हम पूरा स्टेट घूम चुके हैं, एक कोची बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जाएँ, वहाँ का भी माल मिले, क्योंकि इस सब एरिया में चलने में हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब बहुत ही रोड भी अच्छा लग रहा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा है, हमको बहुत मज़ा आ रहा है चलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम। तो दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो उसके चलते यहाँ पर नहीं होता, तो इसलिए अपलोड नहीं कर पाते। पहले हम लोग रात में करते थे तो वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से गाड़ी ले करके जाना पड़ता है। जा करके जहाँ नेटवर्क मिलता है वहीं पर रोकते हैं, फिर अपलोड करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, जाकर वहाँ पर जहाँ नेटवर्क मिलेगा रोकेंगे वहाँ, फिर वहाँ वीडियो में अपलोड होगा। दोस्तों हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारा एक आईडी है इंस्टाग्राम में, RRajesh07 करके, तो अपडेट वहाँ हम डाल देते हैं वहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से निकलना भी है, अभी नेटवर्क भी देखना है। दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।